हेलो फ्रेंड्स, 27 जनवरी को हम लोगों ने जो लाइव सेशन किया था दोपहर को 2:30 बजे, बहुत सारे लोग जुड़े थे। उन लोगों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने का मौका मिला, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को हमने समझा। तो जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, थैंक यू सो मच। इन वीडियोस को आगे भी शेयर किया कीजिए ताकि एनालिसिस का फायदा सब लोग उठा सके। वहां आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने क्या कहा था। हमने कहा था निफ्टी 13,800 की तरफ आ रही है, 13,800 आएगा ही आएगा, 13,800 आया। किसी वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए खेद है। बट इस वीडियो के अंदर में कम से कम एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो आपको बना के देखे जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना, अपनी स्टडी के साथ इसको मैच करना और उसके बाद ही ट्रेड लेना। बाजार कहां जा रहा है, बाजार और करेक्ट हुआ क्या, और क्रैश हुआ क्या, बाजार में करेक्शन होने वाली है, करेक्ट होने वाला है बाजार। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, चैनल पे अवेलेबल है। ये देखिए निफ्टी क्रैश और करेक्शन, 26 जनवरी को हम लोगों ने ये वीडियो बनाई थी, इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो प्लीज जाके इस वीडियो को पीछे जाके देख लीजिए जो लोग नए हैं, और जो पुराने लोग हैं चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स कभी भी मिस ना हो। अब क्या है, हमने यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बहुत अच्छे से कहा था कि जो बाजार का सिनेरियो दिख रहा है, बाजार के इस सिनेरियो को देखते हुए समझते हुए हम अपने ट्रेड को लेंगे। और कभी भी बाजार में हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। बाजार का ट्रेंड जैसा भी होगा वैसे ही चेंज करना है। जो FIs लगातार पिछले कुछ महीनों से बाइंग कर रहे थे, अब वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हर आदमी प्रॉफिट बुकिंग करता है। जो कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोग कहते हैं कि FIs बाजार में कम से 2 से 3 साल के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। FIs बाजार में 2 से 3 साल के लिए आते होंगे, हेज फंड वाले ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो जो माल नीचे में लिया है उसकी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए आए, आपके और मेरी तरह इमोशनल होकर बाजार में बैठने के लिए नहीं आए हैं। तो दोस्तों प्लीज ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वन रूल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए। अब ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है आपके सामने, मैं चार्ट रख रहा हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये डेली चार्ट लगा हुआ, डेली कैंडल्स आपके सामने लगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉलिंग कैंडल्स, एब्सोल्यूट फॉलिंग कैंडल्स, रेड कैंडल्स। इसको और थोड़ा बड़ा करके देखिए, जितने लोग कैंडल सिक्स को स्टडी करते हैं, प्राइस सेक्शन को स्टडी करते हैं, क्या रहा पिछले 5 सेशंस में लगातार सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग हो रही है। अब क्या हो गया FIs को, क्या उनको बजट का अंदाजा हो रहा है, या बजट से पहले कुछ पोजिशंस हल्की करना चाह रहे हैं? ये भी हो सकता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद ये लोग बैकफुट पे हैं, कि शायद उनको पसंद ना आए, या फिर ये सोच रहे हैं कि यहां प्रॉफिट बुक कर लो, और क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने से भाव वापस से नीचे जाएगा, सेलिंग वापस से नीचे होगी, प्राइसेस फिर से नीचे मिलने वाले हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर मिल सकती है कि बजट वाले दिन कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जहां FIs बहुत खुश हो सकते हैं। FIs के लिए क्या अनाउंसमेंट हो सकती है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, आपको दिखाता हूं। ये मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस मिलेंगी, उनमें से यूनियन बजट 2021 विल स्टॉक मार्केट करेक्ट और क्रैश, ये एक मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है, कुछ 1400 लोगों ने इसको देखा है, इनको फायदा होने वाला है। आप भी इस वीडियो को देखिए तो आपको सही चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्या होने वाला है हम देखते हैं, और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कहते हैं उसको मैं यूज करता ही करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको झलक दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के पास में है, ठीक है, और वो इसका फायदा उठाते हैं, मैं फायदा उठाता हूं, मैं क्यों अपने टूल का इस्तेमाल ना करूं। चलिए अब आपको दिखाता हूं क्या हुआ। जब यहां पर अगर हम बात करें 25 जनवरी की, हमने 26 जनवरी को हमने डिस्कशन किया था, 26 जनवरी को वो छुट्टी थी, तो 25 जनवरी की जब क्लोजिंग थी, जब क्लोजिंग 14,238, यहाँ देखिए ऊपर में आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, 14,238 14,238 के आसपास की क्लोजिंग थी, तब हमने अपने TTC से पूछा भाई क्या लग रहा है। वहाँ हम इनके पास गए, हम इनसे पूछे ना कुछ नहीं करते हैं, 14,238 के आसपास जब क्लोजिंग हुई तो बहुत क्लियर था बॉस कि 14,161 का एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है, बहुत क्लियर था, अगर ये टूट जाता है तो 13,800-806 जाके पुराने वीडियोस को देखिए, मैंने आपको क्लियरली कहा था ये आएगा ही आएगा, आ गया। ये कल 13,806 की क्लोजिंग के आसपास की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग देखी क्या थी, 13,817 की क्लोजिंग थी, लो था 13,713 का, मतलब 817 के आसपास की क्लोजिंग कल थी। आज बाजार ने फिर से सेलिंग की है, 29 जनवरी का ट्रेड देखिए, पूरी फुल टू रेड कैंडल है, ओपनिंग हुई 13,946 की, हाई बनाया 13,965 का, 13,965 का लो रहा 13,597, मतलब 600 के आसपास में वो क्लोजिंग दी है 13,660 की। अगर लो को देखा जाए 597, 13,597, क्या हम कल की क्लोजिंग से प्रेडिक्शन कर सकते थे? जी हाँ, चल के देखते हैं कि 13,967 जो कल की क्लोजिंग थी, ये यहां पे आप देख सकते हैं सी मतलब क्लोजिंग, अगर हम कैंडल के ऊपर लेके आते हैं, डेली कैंडल है ये, 13,967 की क्लोजिंग को अगर पकड़ के हम चलते हैं अपने लेवल एनालिसिस के ऊपर में, क्या होता है 13,967 देखिए,
बहुत क्लियर था कि 924 बहुत ही नजदीक का सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही 13,800 और 13,572 और लो क्या रहा आज का दोस्तों, आज का लो रहा 13,597। इतना एक्यूरेट भी कोई हो सकता है दोस्तों? ये आप भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपके पास एक कैलकुलेटर है, इसका इस्तेमाल करो। अभी पुणे में जा रहा हूँ, पुणे में क्लास है 6 और 7 तारीख को, वहाँ भी जितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन सबको एक साल के लिए फ्री देने वाले हैं उस कैलकुलेटर को मैं। तो ये टूल मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है, खाली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी ये सेलिंग के लिए भी है, जो लोग इसका एनुअल पैकेज लेते हैं 10,000 रुपये इसकी साल की फीस है, अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर किसी भी क्लास में अगर आप आएंगे तो सीधा 10,000 रुपये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये रही बात निफ्टी की, अब निफ्टी आगे कहाँ जाने वाली, निफ्टी के आगे सपोर्ट क्या होने वाले। अगर हम निफ्टी को आज को देखें, जो निफ्टी क्लोजिंग आज 13,660 की है, अब यहां से ऊंट किस करवट बैठेगा ये पूछते हैं भैया। 13,660 तो आ गया, 13,660 के बाद ये क्या होने वाला है दोस्तों? ये कैलकुलेटर जब एनएससी से भाव आ जाएंगे, भाव को भी आ जाएगी, तो शाम को 6-7 बजे इसको अपडेट कर देंगे हम, इसमें राइट जो प्राइसेस होंगे लाइव हो जाएंगे। अब यहां पे 660 के आसपास बाजार चल रहा है, मतलब 689 का एक फर्दर ब्रेकडाउन लेवल था, इसके नीचे बाजार है। तो 689 के नीचे फर्स्ट लेवल 572 जो इसने आज टच कर दिया, सेकंड टारगेट रहना चाहिए 456। यहां पे बाजार एक रीबाउंड करने की कोशिश कर सकता है। अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कहा था, अल्टीमेटली अगर मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर सेलिंग दिखाई दे रही है, और निफ्टी हो सकता है 12,000 से 12,500 के बीच में एक अपना सपोर्ट बनाए, क्योंकि ये करेक्शन है वहां तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया थे, अब वो एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है अल्टीमेटली मंथली चार्ट के ऊपर में। जाके इस पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर निफ्टी 690 से ऊपर चलती है इंट्राडे में, तो मेरे हिसाब से आपको 640 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 738 का फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे, और सेकंड टारगेट हमारा 13,800 के आसपास आएगा, बट 640 विल बी दी क्रूशियल स्टॉप लॉस। 640 बहुत मेजर स्टॉप लॉस आएगा, और 640 के नीचे तो वैसे भी 690 के नीचे एक प्रेशर सिनेरियो लग ही रहा है, 640 से नीचे निकल जाएगा बाजार तो बहुत क्लियरली 504 और 427 से सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाएंगे। ये रहा निफ्टी का हाल। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, बैंक निफ्टी कैसे दिखाई देती है। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आज की क्लोजिंग है 30,729 की। उस लाइव सेशन में हमने बैंक निफ्टी के लिए भी आपको कहा था कि बैंक निफ्टी भी 29,900 के आसपास आ जाएगी, जो बीते दिनों में जो लो लगा है वो 29,752 का लगा है, 29,752 मतलब 29,900 के आसपास का हमारा अनुमान था, वो वहां पे आ चुके हैं। प्लीज दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल एनालिसिस, इसको पूरा देखिएगा ध्यान से। और आज की अगर क्लोजिंग देखी जाए तो 30,729 को पकड़ लेते हैं, 30,729 दोस्तों आज का टाइम ना स्मार्ट गेम करने का, स्मार्ट प्ले करने का है। जो स्मार्ट प्ले करेगा ना वो पैसा बनाएगा बाजार से। जो सोचेगा मैं हार्ड वर्क करता रहूं इतना एनालिसिस उतना एनालिसिस करूं, बाजार हाथ से छूट जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। 729 चल रहा है और 625 से ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो बेसिकली यहां से पहला पड़ाव 800 का और दूसरा पड़ाव 30,976 तक वापस बाजार रिट्रेस कर सकता है, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलेगी। तो यहां पे जो भी लॉन्ग में जाना चाहते हैं वो लॉन्ग जो करेंगे 760 से ऊपर इंट्राडे में लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 700 का, मतलब मोटा मोटा 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का रहना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 30,845, सेकंड टारगेट वुड बी 13,963 एंड थर्ड टारगेट कैन बी 31,080 मतलब 31,080 तक। बेसिकली ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट हो सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस, इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, अपनी स्टडी और सेटअप से इसको मैच कीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।